अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फिज़िक्स चैप्टर नंबर 16 में आज हम नॉट ऑपरेशन पढ़ेंगे। नॉट ऑपरेशन को हम नॉट गेट से शो करते हैं। हम इसकी सिंबल्स को देखते हैं। डियर स्टूडेंट, ये बुनियादी तौर पर हम इसे कह सकते हैं सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट। लेट्स सी, ये हमारे पास इनपुट है, ये इसकी आउटपुट है। तो आउटपुट जो होगी स्लैश या इसके इन्वर्ट होगा, ए बार हम इसको बोलते हैं। अब ये काम किस तरीके से करता है, अगर हम इसकी सर्किट डायग्राम में देखें, ये हमारे पास एक बल्ब है, इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है बैटरी से। अब इसके पैरेलल हम एक स्विच लगा देते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर हम कहते हैं ये स्विच ओपन है, तो हमारे पास जो पैसेज है वो ये है करंट का। अब इस सूरत में लैंप ग्लो करेगा, यानी अगर स्विच ओपन है, ये हम इसको सिंगल है, अगर स्विच हमारे पास ऐसा ओपन है तो लैंप जो है वो ऑन होगा। लेकिन अगर हम इसको क्लोज कर देते हैं तो इसके फिलामेंट की जो रेजिस्टेंस है उसकी वजह से करंट ग्लो नहीं होगा। ये क्लोज है तो ये हमारे पास ऑफ शो होगा। अगर हम इसे बाइनरी डिजिट्स में बयान करें, ये ए है और ये एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए बार। अगर ये ज़ीरो होगा ये वन होगा, अगर ये वन होगा तो ये ज़ीरो होगा। ये प्रोसेस जो है इसको हम बोलते हैं नॉट ऑपरेशन, और ये काम नॉट गेट की मदद से हम किया जा सकता है। सिंपली लफ्ज़ों में हम अगर कहें तो ये इनपुट को रिवर्स कर देता है, उसके उलट ये हमें शो करता है। डियर स्टूडेंट्स, यह छोटा सा टॉपिक है, कल हम इस गेट्स के टॉपिक को नैंड गेट और नॉर गेट से हम इसको ख़त्म कर देंगे। तो आज हमने नॉट ऑपरेशंस पढ़ा है नॉट गेट की मदद से, इसकी बुनियादी डेफिनेशंस, और ये डायग्राम्स ज़रूर इसकी करें, ये बेशक ना करें इसकी जगह पे ये आप कर लें। तो इसके लिए हमें इस टॉपिक डायग्राम के लिए ये पोर्शन है इसका, और ये इसके नॉट ऑपरेशन को शो किया हुआ है उन्होंने, और ये उनके यूजेज हैं सर्किट्स में, हम इसको कहाँ पर यूज़ करते हैं, तो इसको हम आसानी से लर्न कर सकते हैं। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम।